अरे ये एरावान एंड पिकॉक पे साथ साथ में, अरे इनकी क्वालिटी देखो, इसको देखो भाई, इसका तो बॉडी क्या शाइन कर रहा है। तो मुंबई का पहला दिन बहुत बढ़िया जा रहा है। फिशिंग करने जाता हूँ मैं असम की नदियों में, लेकिन मैं आज आ गया मुंबई के समुंदर में। एंड इतना बड़ा फ्लोरिडा गार की बात ही अलग है यार। तो मेरी जर्नी शुरू हो रही है मुंबई लोकल से, जैसे कि आप देख पा रहे हो सुबह उठ गया हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ द पिक्सी हाउस नेचर एंड एक्वेरियम गैलरी। तो मैंने ट्रेन मीरा रोड से ली थी और मुझे जाना है विरार। तो विरार पे दो स्पेशल गेस्ट मेरा वेट कर रहे हैं, फिर हम चलेंगे द पिक्सी हाउस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाम संदीप प्रमंडल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सप्लोरिंग असम एंड फिशिंग। गाइस मैं फिलहाल हूँ विरार मुंबई में और मेरे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट है। ये देखो, ये है हृदय और दिव्या। तो ये दोनों ने जो है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था और बोला था कि आ जाओ विरार पे, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एक्वेरियम शॉप है जो हम थोड़ी देर के बाद विजिट करने वाले हैं। और अभी हम थोड़ा यहाँ पे आए हैं इस नाइटी पे, काफ़ी दिनों के बाद चलते हैं नाइटी पे। चलो, बहुत ही क्यूट सा बच्चा है तुम्हारा नाम हृदय। ये क्या है, तुम्हारा पावर का चश्मा है क्या? स्टाइल, इसका स्टाइल देखो। तो स्पेक्स है क्या? अच्छा, तो बाल तुम्हारे ब्राउन ब्राउन क्यों है? मेहंदी लगाओ तो नेचुरली है। बहुत क्यूट है ना ये। मुझे लग रही थी काफ़ी भूख, फिर हम लोगों ने जो है मैक्टी में कुछ खाया, तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। एंड फिर ये मुझे लेकर चले एक बहुत ही सुंदर जगह पे। तो यहाँ से तो मुझे काफ़ी असम वाली फील आ रही थी। एंड देन हम पहुँच गए एक ऐसी सुंदर बीच पे, ये देखिए। अभी हम लोग एक बहुत ही बढ़िया जगह पे आ चुके हैं। ये पूरा समुंदर है, इस जगह को क्या बोलते हैं? जेटी बीच बोलते हैं। जेटी बीच, बहुत सही है, मस्त हवा चल रही है। तो मुंबई का पहला दिन बहुत बढ़िया जा रहा है, मस्त घूम रहा हूँ, है ना। आई फिशिंग भी कर रहे हैं। स्पेशल थैंक्स टू दिव्या एंड हृदय इतने मस्त जगह दिखाने के लिए। एंड अब चलते हैं शॉप पर। मुझे शॉप में लेकर आया, तो ये जो शॉप है इसका नाम है द पिक्सी हाउस नेचर एंड एक्वेरियम गैलरी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कलेक्शन है, ठीक है। तो मैंने शुरू किया है कुछ इस टैंक से, जहाँ पे आपको सिक्लेटे कलेक्शंस एंड ईल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी सुंदर एंड एक्जॉटिक थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस टैंक में। ये स्टार्टिंग पे ही रखा हुआ है, तो मैंने देखा यहाँ पे, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो उनका नंबर दिया हुआ है गूगल पे, आप सर्च कीजिए उनके शॉप के नाम से एंड देन आप नंबर कलेक्ट करके उन्हें कॉल कर सकते हैं। देखिए कितने सारे इसमें, ये सारे इंपोर्टेड भी है। और यहाँ पे कुछ ग्रीन टेडर भी देखने को मिल गया जो काफ़ी अच्छे साइज़ के थे, अगर आपको चाहिए तो आप ग्रीन टेडर भी यहाँ से उठा सकते हो। देन नेक्स्ट टैंक पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑस्कर्स एंड शिवरम्स के कलेक्शन थे, तो इनके जो कलेक्शन अभी फिलहाल कम है, रिसेंटली स्टॉक खाली हुआ है एंड आज आने वाला है। एंड देन आई थिंक वन वीक के अंदर बहुत सारे स्टॉक आने वाले, तो उन्होंने मुझे बोला है कि आकर एक बार विजिट करके जाओ। तो कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं यहाँ पे आऊँ और विजिट करके जाऊँ। तो चलते हैं नेक्स्ट टैंक पर। तो यहाँ पे स्नेक हेयर के कलेक्शन काफ़ी है, मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ। हर शॉप में आपको स्नेक हेयर के कलेक्शन नहीं दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो है आई थिंक अल्वाइनो एंड प्लैटिनम स्नेक हेयर है फिलहाल यहाँ पे, जो कि इंपोर्टेड है और काफ़ी प्यारे, और अभी काफ़ी ट्रेंड पे चल रहा है स्नेक हेड का ये चीज़। तो अगर आपको लेना है, अगर आप स्नेक हेड पालने के शौकीन हैं, तो डेफिनेटली आपको इस शॉप में विजिट करना चाहिए और आपको इनसे बात करके जो है स्नेक हेड यहाँ से आप ले सकते हो। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इनके स्नेक हेड के कलेक्शन। कुछ और स्नेक हेड से जो उधर है मैं आपको दिखाने वाला हूँ उनके कलेक्शन, वो देख कर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देन आ गया एलिगेटर गार्ड के बच्चे। तो गाइज ये तो देख के मैं बहुत खुश हो गया, तो इस बार मैं प्लान कर रहा हूँ कि एलिगेटर गार्ड लेके जाऊँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि कैसे लेके जाऊँ। तो शायद मुझे ट्रेन की टिकट करनी पड़ेगी और ट्रेन में 2 दिन की जर्नी लगती है। जो भी है अभी थोड़ा टाइम है तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ये देखो स्नेक हेड कितना प्यारा लग रहा है। अभी दिखाते एक और चीज़, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल नेचर के बीच में बनाया गया जैसा एक टैंक है, और यहाँ पर जो एरावान इन्होंने रखा हुआ है, ओ माय गॉड, मैंने अपने ज़िंदगी में इतने बड़े एरावान तो नहीं देखे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बहुत बड़े थे और ऊपर से एक्वेरियम शॉप में मैंने काफ़ी बड़े बड़े देखे, लेकिन ये बहुत ही बड़े थे यार। देखो इनके साइज़ एंड स्टिंग रेस, इन्होंने बच्चे भी दिए। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे बच्चे दिए, मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ। तो ये देख के मज़ा आ गया। एंड ऊपर से इनका व्यू देखो,
डर भी लग रहा था कहीं पता नहीं कूद ना जाए, तो काफ़ी बड़े एरवाना थे। आपने कभी देखे इतने बड़े एरवाना? एंड ये शॉप की खासियत भी है कि यहाँ पे काफ़ी क्लीन रखा गया है और जितने भी इन्होंने एक्वेरियम्स रखे ना काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं, मतलब आपको एक स्टैंडर्ड साइज़ एक्वेरियम शॉप में काफ़ी कुछ मिल जाएंगे। तो अभी मैं SRD के यहाँ पे हूँ, मतलब SRD फ्लावर हॉर्न्स देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी सारे SRD फ्लावर हॉर्न्स हैं एंड नीचे कांफा भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख पा रहे हो आप कितने प्यारे हैं एंड इनका कलर कॉम्बिनेशन प्लस इनका पैटर्न वगैरह सब बिल्कुल सही है और हेड साइज़ भी ठीक है और ये अच्छा ग्रो करने वाले हैं। तो अगर फ्लावर हॉर्न के आप दीवाने हो तो यहाँ पे विजिट कीजिए और देख लीजिए, फ्लावर हॉर्न्स अच्छे अच्छे रखे हैं यहाँ पे कलेक्शन। एंड देन ये कांफा वाला है, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे और इनका पैटर्न देखो, ये वाइट वाला तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यार, सही में मज़ा आ गया इसको देख के। एंड ये वाला काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, मतलब एक्टिव यानी कि मतलब कि पूरा हाथ पे जो ऐसा टेम्ड था ऐसा लग रहा था मेरे को, मतलब हाथों के इशारे पे नाच रहा था ये। देन एज यूजुअल आपको काफ़ी सारे प्लांटेड सेटअप के लिए भी काफ़ी सारे फिश आपको मिल जाएंगे, वो वीडियो टेट्रा वगैरह। तो अभी स्टॉक थोड़ा कम हुआ है लेकिन पूरा भरा रहता है यहाँ पे। कुछ और आपको वैरायटी दिखा देता हूँ सिकलिस के, ये देख पा रहे हो। एंड देन अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ प्लैटिनम एलिगेटर कार, ये देखो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो छोटे से था यहाँ पे सिम्स, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर एंड इनकी क्वालिटी भी देख पा रहे हो। और ये फ्लोरिडा रिवर से होता है एक्चुअली, तो काफ़ी ज़्यादा इसका जो बॉडी है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है देखकर। तो प्लैटिनम एलिगेटर कार तो सही में यार मतलब एक हॉबीस्ट को पालना ही चाहिए फ्यूचर में कभी ना कभी, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा क्योंकि इनकी बॉडी का पैटर्न एंड जो ब्यूटी है ना बिल्कुल अनमैचेबल है, देखो ना यार कितना ज़्यादा सुंदर लगता है ये। देन कैटफिश वगैरह भी मिल जाएगा आपको देख पा रहा हूँ एंड कोई कार्प वगैरह तो है ही यहाँ पे, आपको ये सब भी मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको और फिश दिखाता हूँ, ये है लंग फिश, तो ये भी जो है आपको सारे एक्वेरियम शॉप्स पे देखने को नहीं मिलेगी, ये मैं पहली बार नहीं देख रहा हूँ, लाइक सेकंड टाइम देख रहा हूँ और मैंने एक बार देखा था कोलकाता में। तो आप लोगों ने ये वाला फिश देखा है, ये फिश भी काफ़ी बढ़िया लगता है दिखने में और पैटर्न भी आप देख पा रहे हो। तो अगर आपको चाहिए तो आ जाइए पिक्सी हाउस में, यहाँ पे आपको ये फिश मिल जाएगी, देख लो। ये एक बहुत ही जायंट है एरवाना, वाओ ये भी एरवाना इतना प्यारा लग रहा था मेरे को, और ऊपर देखो ना उस फिश को, वो भी क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना, और ब्लू कलर का तो इन्होंने लाइट यूज़ किया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और इसका शेप देखो। साथ ही में यहाँ पे काफ़ी सारे पैरट्स थे, तो अगर आपको पैरट्स चाहिए थोड़े से बड़े साइज़ के थे तो यहाँ से भी आप पैरट्स उठा सकते हो, काफ़ी बढ़िया पैरट्स यहाँ पे है। पीछे वाला पैरट भी काफ़ी सुंदर लग रहा था, और साथ में अल्बाइनो एरोवाना, शायद ये मेरे वाले एरोवाना के साइज़ से थोड़ा सा छोटा होगा शायद, एक बड़ा वाला भी है साइड में। तो यहाँ पे आपको एरोवाना के काफ़ी सारे साइज़ मिल जाएंगे, आपको मैं आगे भी दिखाता हूँ बाकी एरोवाना। तो यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा वाला था उसके ही बगल में, तो यहाँ पे ऐसे साइज़ भी मिल जाएंगे आपको, छोटे वाले भी मिल जाएंगे आपको, हर तरीके का एरोवाना के साइज़ यहाँ पे ऑलमोस्ट अवेलेबल है। और इस स्नेक हेड को आप देख लीजिए, ये इतना एक्टिव था ना और इतना प्यारा है, देखो इसका बॉडी का जो पैटर्न है और इतना एक्टिव था ये फिश, बहुत मज़ा आया। एंड साथ ही में ये एक फिश था जिसका नाम मुझे बिल्कुल नहीं पता, और ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ऐसे यहाँ पे एक पेयर है फिलहाल तो। एंड कुछ एंजल्स, तो स्टॉक तो ख़त्म हो गया, आज आने वाला है, तो आई थिंक उसमें एंजल्स वगैरह भी आने वाले हैं, तो ये भी एंजल्स काफ़ी प्यारे लग रहे थे। अब ये वाला सिकलेट का वैरायटी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, ये मेरे पास तो है नहीं मेरे मॉन्स्टर टैंक पे, और मुझे ये वाला तो लेना ही है, एटलीस्ट दो पेयर तो लेना ही है क्योंकि इतने प्यारे लगे मेरे मॉन्स्टर टैंक में, फिलहाल इनकी कमी ज़रूर है, तो ये डेफिनेटली लेना ही चाहिए। फिर चले दिखाता हूँ वन ऑफ माय फेवरेट सिकलिट टैंक, तो ऑब्वियसली गाइस आप लोगों को पता है कि सिकलिट्स का मैं कितना बड़ा दीवाना हूँ, तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट मेरे पास सारे सिकलिट्स है, सिर्फ नीचे जो मालावी सिकलिट्स दिख रहे हैं ये थोड़े से कम है मेरे पास, तो ये सारे कलेक्शन तो करना ही है, बाकी सिकलिट्स तो चलो मेरे पास है। और अगर आपको चाहिए बढ़िया साइज़ के हैं, ना ही बहुत बड़े हैं ना ही छोटे हैं, मीडियम साइज़ के सिकलिट्स है, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। देन कुछ ये वाला भी फिश था, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा था, इसका नाम मेरे को फिलहाल तो याद नहीं आ रहा है, पर इनके भी साइज़ काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी एक्टिव फिश थे। एंड फिर दूसरे टैंक पे था ये वाला फिश, ये भी काफ़ी बढ़िया था, और ये बड़ा होते बिल्कुल रेड कलर में आ जाता है, तो कितना प्यारा लग रहा है देखो, ये भी फिश यहाँ पे अवेलेबल है। अब आप इस एरोवाना को देखो कितना बड़ा साइज़ का, उसकी स्केलिंग में देखो ना क्या तो कलर आ रहा है, एक शाइन आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसने आर्ट किया हुआ है, देखो इसके स्केल्स, वाओ जस्ट अमेजिंग यार। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे एरोवाना के काफ़ी सारे मतलब साइज़ अवेलेबल है, तो ये वाले देखो छोटे वाले, तो ये वाले साइजेस भी अवेलेबल है, अगर आपके पास छोटा सा टैंक है या आपको छोटा एरवाना चाहिए तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो या उनको कॉल करके पूछ सकते हो। छोटे पैरट्स इतने आसानी से दिखते नहीं है क्योंकि ये सही में छोटे साइज़ के हैं, अगर आपको चाहिए तो आप छोटे से लेकर इनको पाल सकते हो, हैंड टेम कर सकते हो, प्लस अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो आप यहाँ से छोटे वाले साइज़ भी उठा सकते हो। और ये छोटो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक्वेरियम के अंदर ही घुस गया है, देखो
अगर आपको ये वाले फिश भी पसंद है तो आप ये वाले फिश भी यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। चलो मॉलीज हो या गप्पीज हो, जिनको मॉलीज गप्पीज पसंद है वो भी है। फिलहाल तो स्टॉक कम है बट स्टिल अभी आने वाला है, आज गप्पीज भी आएगा और मॉलीज भी आ जाएगा। द बेस्ट स्नेक है अब तक मुझे शॉप में ये लगा, ये इतना प्यारा था, इसका कलर पैटर्न देखो एंड इसके बॉडी पे कलर इतना प्रोमिनेंट आ रहा था, बाप रे, और इतना ज्यादा एक्टिव था ये, मुझे तो मन करता कि मैं इसको लेके जाऊं। सही बता रहा हूं, मैं असम से हूं और मुझे स्नेक हेड फिश से अभी बहुत ज्यादा प्यार होने लगा है, क्योंकि देखो यार इसको। अब इस साइज के अरवाना को भी देख लो, ये भी क्या लग रहा है ना, बहुत सही लग रहा है। वाओ यार सही में क्या हेल्थी अरवाना है ये। इसके बाद एक और अरवाना आपको दिखाता हूं, यहां पे कुछ पिकॉक बास भी फिश रखा हुआ है, देखो इनके साइज भी ठीक है, बड़े हैं मतलब उतने छोटे भी नहीं है। एंड एक टैंक था जो बिल्कुल ब्लैक कलर से कवर किया हुआ था और फ्रंट से जब आप देखते हो तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। इन पैरट्स के साइज़ देखिए, इन पैरट्स की क्वालिटी देखिए, बहुत सही लग रहा था। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक एरोवाना जो जस्ट इनके ऊपर है, उसको तो देख के यार दिल खुश हो गया, और वो ये वाला एरोवाना है। देखिए इसका टेल में जो कलर आ रहा है और इसका पूरा शेप देखो, वाह, और कितना बड़ा है, देखो मेरे हाथ से ही बड़ा लग रहा है और इतना हेल्दी कैसा देख रहा हूँ, मुझे बहुत सही एरोवाना था। तो ये वाला शॉप गाइस काफ़ी बढ़िया शॉप है, बैठा के आपको भरपूर कलेक्शन मिल जाएंगे। लाइट्स नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया, और मैं तब से आपको बोल रहा हूँ कि स्टॉक कम है, मतलब कि इसी में इतना आपने स्टॉक्स देख लिया, आपने इतने वैरायटीज देख लिए इनके कम स्टॉक्स में। आप सोचिए जब इनका स्टॉक्स फुल रहता होगा तो आप कितना ज़्यादा वैरायटी देख पाओगे यहाँ पे। तो ये पूरा इनका बैठा का ही कलेक्शन है और साथ ही में कुछ प्लांटेड सेटअप्स है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इनका ज़्यादा मैंने वीडियो लिया नहीं है, तो प्लांटेड सेटअप्स के लिए भी जो आप फिश कलेक्ट कर पाओगे, प्लांट्स कलेक्ट कर पाओगे। तो ओवरऑल जो है ये शॉप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, एक स्टैंडर्ड साइज़ के हिसाब से इन्होंने सब कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की है। और जो मैं आपको बताया था स्टिंगरे का बच्चा, ये है जो आई थिंक आज 2 या 1 वीक का है शायद, काफ़ी प्यारा सा है, मन तो बड़ा था इसको लेने का। एनीवेज गाइस, तो कुछ इस तरीके से आज का हमारा ये दिन स्पेंड हुआ और अभी शाम हो रही है तो मैं घर जाने वाला हूँ, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। तो अभी हम लोग यहाँ पर है यानी कि रेलवे स्टेशन के सामने, तो ये मुझे दिखा रहा था कि कौन सा ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से पकड़ना है। तो एनीवेज बाय, टेक केयर, कुछ नए वीडियोस लेकर जल्दी वापस आता हूँ, और कैसा लगा ज़रूर बताना ये वीडियो। बाय, टेक केयर।